नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मंदाकिनी जी की सभी फिल्मों की लिस्ट और वर्डिक्ट के बारे में। दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं आएगा। दोस्तों मंदाकिनी जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से की थी और इस फिल्म की लागत थी दोस्तों मात्र 1,44,00,000 की और इस फिल्म ने पूरी दुनिया भर से 19 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की और इनकी पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसी साल ही इनकी दूसरी फिल्म आई थी मेरा साथी और दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी 1986 में जीवा और दोस्तों इसकी लागत थी 1,40,00,000 की और इसने कमाई की थी 4,25,00,000 और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी ओम और दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी सिंहासन और यह हिट रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई आग और शोला और यह फ्लॉप रही थी। इसके बाद आई थी जाल और दोस्तों इसकी बजट थी 1,90,00,000 और इसने कमाई की 8 करोड़ और इसी के साथ ही यह सुपरहिट हुई थी। इसी साल ही इनकी फिल्म आई मजलूम और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1987 में इनकी फिल्म आई दोस्तों अपने अपने और यह फ्लॉप रही थी। इसके बाद आई थी लोहा और इसकी लागत थी दोस्तों 2,05,00,000 और इसने कमाई करी 6 करोड़ की और यह हिट रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई प्यार करके देखो और इसने कमाई की 2,70,00,000 और यह फ्लॉप रही थी। इसके बाद मंदाकिनी जी की फिल्म आई दोस्तों डांस डांस और इस फिल्म की लागत थी मात्र 1,40,00,000 और इसने दुनिया भर से कमाई करी 5,50,00,000 की और इसी के साथ ही यह सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद आई थी प्रेम धर्म और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी हवालात और यह भी फ्लॉप हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी 1988 में प्यार मोहब्बत और यह फ्लॉप रही थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी जीते हैं शान से और इसकी लागत थी 2,50,00,000 और इसने कमाई करी 5,50,00,000 और यह हिट रही। इसके बाद आई थी सूरवीर और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई कमांडो और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद आई थी हम तो चले परदेश और यह बिलो एवरेज रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी मार धाड़ और यह फ्लॉप रही थी। इसके बाद आई माला माल और दोस्तों यह एवरेज रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई अग्नि और दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। 1989 में इनकी फिल्म आई थी दोस्तों नाग नागिन और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई थी कहां है कानून और दोस्तों यह एवरेज रही थी। इसके बाद आई थी आखिरी बाजी और इस फिल्म की लागत थी 1,65,00,000 की और इसने कमाई करी 2,08,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई जंगबाज और इसकी लागत थी दोस्तों 1,85,00,000 और इसने कमाई करी थी 5,95,00,000 की और यह हिट रही। इसके बाद आई ना इंसाफी और इसकी लागत थी दोस्तों 1,90,00,000 और इसने कमाई की 2 करोड़ की और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद फिल्म आई हिसाब खून का और यह एवरेज रही थी। इसके बाद फिल्म आई देश के दुश्मन और यह एवरेज रही थी। इसके बाद आई थी लड़ाई और दोस्तों यह सुपरहिट रही थी। 1989 में मंदाकिनी जी की फिल्म आई शेष नाग और यह फ्लॉप रही थी। इसके बाद आई शानदार और दोस्तों यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी नया कानून और दोस्तों यह डिजास्टर रही थी। इसके बाद आई थी फिल्म दुश्मन और इसकी लागत थी 4 करोड़ की और इसने कमाई करी 8,45,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसके बाद मंदाकिनी जी की फिल्म आई प्यार के नाम कुर्बान और यह सुपरहिट रही। इसके बाद आई थी तकदीर का तमाशा और यह फ्लॉप रही थी। इसके बाद 1991 में इनकी फिल्म आई देशवासी और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1992 में इनकी फिल्म आई प्यार का सौदागर और यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई थी फिल्म नाच गोविंदा नाच और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई जोरदार और इसकी लागत थी 1 करोड़ और इसने कमाई
करी 1,32,00,000 और यह भी फ्लॉप हुई थी। तो दोस्तों यह था मंदाकिनी जी का अब तक का फिल्मी सफर। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।